मैं निशा डीएनएक्स टीवी एंटरटेनमेंट की बात में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के ऊपर बनने वाली फिल्म के बारे में। हमें पता है कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस के चलते आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश विदेश से अनेक कहानियां निकल कर आ रही है, जिससे प्रभावित होकर गुजरात के दो फिल्मकार कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की जिंदगियों से प्रेरित एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें लॉकडाउन के कारण लोगों और राज्य प्रणाली पर पड़े असर को भी दिखाया जाएगा। निर्देशक महेश पटेल ने मीडिया को बताया कि एक नायक के बुराई के खिलाफ लड़ने की घिसी पिटी कहानी की बजाय इस गुजराती फिल्म में भय, आशा, दृढ़ संकल्प और विजय के कई अलग अलग रंगों की कहानियां बयां की जाएगी, जो कि महामारी के दौरान सामने आई है। पटेल और उनके व्यवसायिक साझेदार दीपक सोनी का सूरत में केसर भवानी फिल्म प्रोडक्शन और इस बैनर तले ही फिल्म का निर्माण किया जाएगा। फिल्म का बजट अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन पटेल ने इसकी पटकथा पर काम करना शुरू कर दिया है। फिल्म का नाम कोरोना नो कहर होगा। निर्देशक महेश भट्ट ने कहा, लोगों को घरों में कैद हो जाने से लगातार लॉकडाउन के कारण प्रवासियों के प्रदर्शन करने तक कोरोना वायरस के कारण हमारे आसपास कई चीजें हो रही हैं। हम यह भी देख रहे हैं कि लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए पुलिस कर्मियों और डॉक्टर ने अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रखा है, इसलिए ही हम दोनों ने इस विषय पर फिल्म बनाने का निर्णय किया।